जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पट्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। आज का वीडियो में हम एक JEE PYQ देखेंगे जो क्वेश्चन 2023 में आया था। ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर व्हाइल द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट पॉइंट ओ। इफ द बॉडी मूव्स अबाउट ओ इन ए सर्कुलर पाथ ऑन ए स्मूथ हॉराइजॉन्टल सरफेस विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकेंड देन रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू द नेचुरल लेंथ विल बी। ऑप्शन आर गिवेन हियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या क्या डाटा दिया गया है उसको लिख देते हैं। तो बॉडी का मास दिया है 200 ग्राम। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बाय 1000 केजी, इट बिकम्स 0.2 केजी। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 12.5 न्यूटन पर मीटर। इफ द बॉडी मूव्स अबाउट ओ इन ए सर्कुलर पाथ ऑन ए स्मूथ हॉराइजॉन्टल सरफेस विद एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा दिया है 5 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू इट्स नेचुरल लेंथ, तो एक्स बाई एल पूछा है। ठीक है, तो पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ एक स्प्रिंग है, एंड स्प्रिंग में ऐसे एक मास कनेक्ट है, मास को एम मान लेते हैं, एंड ये जो एंड है ये फिक्स्ड एंड है। तो पहले जब स्प्रिंग रहेगा तो वो कभी एक्सटेंशन नहीं होगा या कंप्रेस भी नहीं होगा, ये नेचुरल लेंथ में रहेगा। जब ये ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ये एक्सटेंशन होगा, तो इसका एक्सटेंशन को मान लेते हैं एक्स, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, एल प्लस एक्स, क्योंकि पहले नेचुरल लेंथ था एल। तो जब स्प्रिंग इधर एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, उस एक्सटेंशन के अपोजिट डिरेक्शन में एफ एस लगेगा स्प्रिंग फोर्स। जब ये रोटेट करेगा ऐसे सर्कुलर पाथ में तो इसको क्या जरूरत पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके साथ इक्वल हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के साथ। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना है, के इंटू एक्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, आर मतलब ये रेडियस कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स। तो स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 इंटू एक्स, मास कितना दिया है 0.2 केजी, ओमेगा का वैल्यू कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स, तो 12.5 इंटू एक्स 0.2 इंटू 25 होल इंटू एल प्लस एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 125 बाई 10 इंटू एक्स, 2 बाई 10 इंटू 25 एल प्लस एक्स। तो ये 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 25 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया, 5x इक्वल टू 2l प्लस 2x। तो 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया, 2l। तो इट बिकम्स 3x इक्वल टू 2l। तो हमको क्या निकालना था, x बाई एल। तो x बाई एल कितना हो जाएगा, 2/3। दिस इज योर आंसर। सो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ।
थैंक यू, जय जगन्नाथ।